वैसे गाइस काफी दिनों से ना ट्यूशन की छुट्टी चल रही थी, लेकिन आज इतने दिनों बाद हमें वापस से टाइम मिला है ट्यूशन पढ़ाने का। तो गाइस मैंने सोचा कि क्यों ना आज हम वापस ट्यूशन पढ़ाते हैं। तो मैंने सिंचन को बोल दिया है सभी को लेके आ जाए और हम लोग वापस से ट्यूशन पढ़ाएंगे। और हाँ, यहाँ पे आप लोग टेबल एंड चेयर देख रहे हो, अभी बहुत मेहनत से साफ सफाई की है मैंने, सिंचन ने और चौप ने। यार फ्रैंकलिन भैया, मेरी तो पूछो मत, मेरा तो कमर दर्द होने लग गया काम करते करते। अच्छा, और सिंचन? हाँ गाइस, सिंचन तो बहुत ज्यादा काम चोर है, मैंने उसको बोला साफ सफाई कर दे तो वो गाइस भाग गया और सारा काम मुझे और चौप को करना पड़ा मजबूरन। अभी तो सिंचन ना फटाफट तू जा और सभी एवेंजर्स को ले किया, मुझे लेट हो रहा है ट्यूशन पढ़ाने के लिए। अरे मैं जा रहा हूँ, लेकिन आराम से जाऊंगा क्योंकि फ्रैंकलिन भैया जल्दी का काम शैतान का होता है। अरे ठीक है ठीक है, अभी तू जा, वरना तू नहीं जाएगा ना तो मुझे जाना पड़ेगा, और मैं गया तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अरे फ्रैंकलिन भैया, आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ हाँ बोल, क्या हो गया? अरे मैं ये कह रहा था हमारी ट्रक में कौन कौन आएगा। एक काम करियो, कैप्टन अमेरिका को छोड़ के ना सबको लेके आइयो, क्योंकि कैप्टन अमेरिका ने बोला है ना वो अपने गाड़ी से आएंगे और बाकी सब लोग इस ट्रक से आएंगे। यार अच्छा ठीक है गाइस, ये फ्री की ट्रक है ना, इसलिए सब लोग अपनी कार और बाइक छोड़ के हमारे ट्रक में बैठने आ जाते हैं यार। हाँ, और जो कैप्टन अमेरिका है ना गाइस, उनके पास बहुत ज्यादा महंगी महंगी और सुपर कार होती है, इसलिए वो अपनी कार से आते हैं। अरे सिंचन एक काम करेंगे, हम लोग अब लोगों को ना साइकिल से लेने जाएंगे। अरे चुप पागल ही, क्या साइकिल में कोई कैसे बैठेगा? सिंचन मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ तू बिल्कुल भी नहीं पढ़ता यार। अरे मैं पढ़ता हूँ, जब तू सो जाता है ना तब पढ़ता हूँ। अरे झूठ मत बोल, मेरे को पता है तू यार बिल्कुल नहीं पढ़ रहा आजकल। गाइस यार सच्ची में मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं डेली पढ़ता हूँ, डेली एक घंटे पढ़ता हूँ। अरे हाँ, मुझे आप लोगों से भी एक सवाल करना था, पहले आप लोग वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करके ये बताओ आप लोग डेली कितने घंटे पढ़ते हो। चुप, तू क्यों नहीं पढ़ता? अरे यार डॉग्स कभी नहीं पढ़ते। डॉग्स पढ़ते नहीं है लेकिन ट्रेनिंग लेते हैं, समझा क्या? अरे हाँ हाँ, लेकिन मेरी ट्रेनिंग तो फ्रैंकलिन भैया करवा देते हैं खुद ही। हाँ वो तो है गाइस, चलो अभी हम लोग यहाँ से डायरेक्ट एक बहुत बड़ा शॉर्टकट ले रहे हैं, और अगर इस शॉर्टकट से हम लोग गिर गए तो अब अरे कुछ नहीं होगा, तुझे पता है ना मैं कितने प्रोफेशनल ड्राइवर हूँ, वो तो मुझे पता है। तू मोड़ भी नहीं पाता गाड़ी को और तू यहाँ से कूदाएगा। अरे हाँ अब पकड़ के बैठियो, ओ एक दो तीन, अरे बच गया यार। और देखो अगर अभी हमारी ट्रक पलट जाती फिर यहाँ पे तमाशा हो जाता। जब कुछ हुआ तो नहीं ना, फिलहाल तो ये देख डायरेक्ट हम लोग स्टार्क मेंशन आ गए, इतना मस्त शॉर्टकट मारा है। और यार मुझे शॉर्टकट पसंद नहीं, मैं लंबे काम कर लूँगा लेकिन ऐसे रिस्क लेके काम नहीं करता। अरे यार सिंचन जैसे रिस्क नहीं लेगा तो क्या करेगा। चलो गाइज फाइनली अभी कहाँ पे आयरनमैन भैया, आयरनमैन भैया कैसे हो यार? अरे सिंचन ना आओ, मैं तो तुम्हारा इंतजार कर रहा था, रेडू हल्क भी और ग्रीन हल्क भी, आओ कैसे हो यार? मैं तो बिल्कुल सही हूँ, लेकिन आप लोगों को ट्यूशन नहीं जाना क्या? अरे जाना है, जभी तो हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, वैसे भी इतने दिनों से छुट्टी चल रही थी, लेकिन आज फ्रैंकलिन ने सुबह सुबह कॉल करके बोला कि आज ट्यूशन आना है, और मेरा दिमाग तो खराब हो गया, अच्छा खासा छुट्टी चल रहा था, अभी तो मैं और भाई घूमने जाने वाले थे, लेकिन अब ट्यूशन जाना पड़ेगा सिंचन। अरे बिल्कुल सही बोला, मैं आराम से कंबल में अभी पॉपकॉर्न खा के टीवी देख रहा होता। अरे चलो भाई, यहाँ टाइम वेस्ट करेंगे तो फ्रैंकलिन हमें ही मारेगा और बोलेगा कहाँ थे इतने देर से, चल सिंचन चला। हाँ आराम से, हर बार की तरह गिरा मत दियो मेरे को। अरे हम हमेशा थोड़ी गिरते हैं, हम तो कभी कभी गिर जाते हैं, और गाइस आपको तो पता ही है बड़े बड़े शहरों में छोटे मोटे एक्सीडेंट तो होते रहते हैं। और सिंचन उन छोटे मोटे एक्सीडेंट में मैं ही ठुकता हूँ, इसीलिए बोल रहा हूँ वो छोटे मोटे एक्सीडेंट मत कराना, ठीक है ना? चलो ठीक है आराम से चलूंगा। हाँ सिंचन आराम से ही चलना, ठीक है ना? अरे हाँ हाँ आराम से ही चलूंगा। अब गाइस ये हाईवे है, यहाँ तो सब तेज चलते हैं, तो थोड़ा तेज तो मुझे भी चलना पड़ेगा ना। ठीक है सिंचन, और कितना टाइम लगेगा पहुँचने में? अरे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा,
बस पहुंच ही गए, आगे से एक राइट फिर उनका घर आ जाएगा। अच्छा ठीक है यार, ऊपर बैठे बैठे ना बिल्कुल बोर लगता है। अरे एक मिनट, डोरीमोन तो यहीं रहता है ना? हाँ वो देखो, डोरीमोन, थॉर, डीजे हलोप और सुपरमैन। हाय डोरीमोन, कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम लोग काफी ज्यादा लेट आए हो और फ्रैंकलिन को पता चलेगा ना तो सबको डांटेगा। अरे हम लेट नहीं है, आपकी घड़ी आगे चल रही होगी। अरे जिनजन कैसा है भाई, बहुत दिन बाद मिल रहे थे। अरे मेरी तरफ से सभी को नमस्ते, आज हम लोग वापस से ट्यूशन जा रहे हैं। अरे हाँ वही बोरिंग सा ट्यूशन, फ्रैंकलिन पढ़ाएगा और मारेगा और हम पढ़ेंगे। अरे पढ़ना तो पड़ेगा ना, क्योंकि गाइस पढ़ाई अच्छी चीज है। अब मैं बोल रहा हूँ सब लोग चले क्या, वरना बातों में बहुत टाइम लग जाएगा। अरे हाँ सब चलते हैं, वरना फ्रैंकलिन तो सबको डांटेगा और मुझे तो उड़ा उड़ा के मारेगा। चलो चलो फटाफट चलते हैं। अरे हाँ हाँ मेरे लिए तरको, अरे चलो आयरन मैन, वरना लेट हो गए ना तो हम लोग पकड़े जाएंगे और मार भी खाएंगे यार। अरे तुम लोग मारे रास्ते में कैसे आ रहे थे, अपना नीचे से ना जा सकते थे? अरे डीजे आलोक, एक तो तुम्हारी लैंग्वेज जो मुझे समझ नहीं आती, तुम थोड़ा आराम से बोला करो जो मुझे कुछ समझ में आए, ठीक है ना? ठीक से आराम से बोल लूंगा। अरे ठीक है, अरे चलो अभी हम लोग लेट ना हो जाए वरना। अरे वेट, कैप्टन अमेरिका नहीं आया, कैप्टन अमेरिका कहाँ है शिनचैन? कैप्टन अमेरिका के पास अपनी कार है, वो अपनी कार से आते हैं, समझ गए? अरे हाँ मैं तो भूल गया, कैप्टन अमेरिका के पास तो बहुत सारी सुपर कार एंड बाइक्स है। चलो चलो अब ये बस का स्टॉप डायरेक्ट हमारा ट्यूशन है, समझ गए? सब लोग आराम से बैठे रहो, कोई भी फालतू नहीं बोलेगा। ठीक है कंडक्टर चुप। अरे वाह वाह मुझे कंडक्टर बोला, थैंक यू सो मच। ऑल राइट गाइज अभी हम लोग घर पहुंचने वाले हैं। कंडक्टर तुम बताओ ना अब लेफ्ट या राइट? अरे अच्छा वेट लेफ्ट राइट, अरे यहाँ तो लेफ्ट राइट ही नहीं है। गाइज देखा चौप को कंफ्यूज कर दिया, चौप बेचारा सोचने लगा कि लेफ्ट मोड़ना है। राइट लो शिनचैन राइट लो। अरे पता है मुझे, गाइज देख लो ये तो सही में असली कंडक्टर बन गया है। अरे एक मिनट कंडक्टर छोड़ो, हम लोग वापस से अपने ट्यूशन आ गए। वो देखो फ्रैंकलिन सर वहीं पे खड़े हैं। गुड मॉर्निंग फ्रैंकलिन सर। अरे पहले नीचे तो उतर जाओ, उनके पास तो आवाज भी नहीं जाएगी। गाइस सही में लगता है हल्क भैया होमवर्क नहीं करे हैं। अरे नहीं नहीं, अरे सर को लगता है मेरी आवाज नहीं गई। अरे गुड मॉर्निंग फ्रैंकलिन सर। अरे हाँ हाँ मुझे आवाज आ रही है, लेकिन चिल्ला क्यों रहे हो? अरे ऐसा ही मैंने पहले बोला था, लेकिन आपको सुनाई नहीं दिया होगा शायद। अरे फ्रैंकलिन सर गुड मॉर्निंग। अरे गुड मॉर्निंग अभी एक काम करो, सबके सब जाओ पहले सीट में बैठो, फिर मैं आता हूँ। ठीक है फ्रैंकलिन सर हम जाते हैं, चलो शिनचैन हम लोग नीचे चलते हैं। अरे हाँ आप लोग मेरे पीछे आओ। हाँ ठीक कह रहे हो, हमें तुम्हारे साथ चलना चाहिए। अरे यार वैसे आज फ्रैंकलिन सर पढ़ाएंगे क्या यार? एक मिनट तुम लोग नीचे जाके बैठो, मैं क्या पढ़ाऊंगा वो मैं देख लूंगा, ठीक है ना? चलो चलो अभी सब लोग शांत रहो, क्या पता फ्रैंकलिन भैया गुस्से में आ जाए और फिर हम लोगों का टेस्ट ले ले, इसीलिए जो पढ़ाए वो पढ़ो और याद करो, ठीक है? अरे हाँ हाँ, अरे हल्क आगे तो चलो, पिटवाना चाहते होगा मेरे को, अरे आगे चलो यार। ऑल राइट गाइस अभी ट्यूशन में ना सारे बच्चे आ गए, चलो अब हमारा ट्यूशन का टाइम भी हो गया है तो जाते हैं नीचे और सबको पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। और हाँ गाइस आप लोगों को पता ही है कि मैं कैसे पढ़ाता हूँ, जो भी मेरे ट्यूशन में शैतानी करता है मैं उसको छोड़ता नहीं हूँ। और हाँ सबके सब आ गए हो ना? हाँ फ्रैंकलिन भैया सब आ गए। गुड मॉर्निंग फ्रैंकलिन सर। अरे हाँ मैं भी भूल गया था, गुड मॉर्निंग फ्रैंकलिन भैया। अरे गुड मॉर्निंग फ्रैंकलिन सर। अरे यार गुड मॉर्निंग फ्रैंकलिन सर। अरे ठीक है सबको मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग, अभी सबके सब शांत बैठे रहो। हाँ आज के लिए तुम्हारा ट्यूशन वापस से खुल गया है और आज से रोज ट्यूशन आना है तुम लोग को। अरे रोज ना, ठीक है सब लोग ध्यान से सुन लो, फ्रैंकलिन भैया ने क्या बोला, रोज ट्यूशन आना है रोज। अरे लेकिन संडे को तो छुट्टी होगी। वो सब बाद में देखेंगे, अभी फटाफट से ना
अटेंडेंस दे दो। चलो सिंचन प्रेजेंट फ्रैंकलिन भैया, डीजे आलोक आया, जू भाई कैप्टन अमेरिका, कैप्टन अमेरिका अरे नहीं आया, देखो तो। अच्छा ठीक है, डोरीमोन अरे हाँ मैं तो आया हूँ प्रेजेंट फ्रैंकलिन सर, आयरन मैन फ्रैंकलिन सर प्रेजेंट, थोर अरे हाँ हम भी आए हैं, सुपरमैन हाँ हम भी आए हैं प्रेजेंट फ्रैंकलिन सर, रेड हल्क हाँ मैं भी आया हूँ प्रेजेंट, ओके अब लास्ट में बचा ग्रीन हल्क, अरे हाँ प्रेजेंट फ्रैंकलिन सर। चलो अभी सबके सब आए हैं। अरे यार क्या बताऊं गाइस, ये गाड़ी दो बार पंचर हो गई है, और हाँ पता नहीं क्या फायदा इतनी ज्यादा महंगी गाड़ी लेने का, और हाँ अभी मैं ट्यूशन के लिए भी काफी ज्यादा लेट हो गया हूँ, लेकिन हाँ फ्रैंकलिन को बता दूंगा कि मेरी गाड़ी तो पंचर हो गई थी, एक बार नहीं दो बार, चलो फटाफट जाता हूँ, और हाँ लगता है सारे लोग आ गए हैं, बस मैं ही लेट हो गया हूँ, अरे यार जाता हूँ चलो अब फटाफट जाऊंगा वरना फ्रैंकलिन भैया गुस्सा हो जाएंगे। आया हूँ मैं फ्रैंकलिन सर। एक मिनट, तुम तो काफी ज्यादा लेट हो, मैंने तुम्हारे नाम के आगे अब्सेंट भी लगा दिया। अरे यार सॉरी सॉरी मेरे को माफ कर दो, लेकिन मेरे को ट्यूशन पढ़ना है, और हाँ मेरी गाड़ी पंचर हो गई थी फ्रैंकलिन सर। अच्छा चलो ठीक है, अभी मैं फिर से बोलता हूँ कैप्टन अमेरिका। अरे यार प्रेजेंट फ्रैंकलिन सर। चलो फिलहाल के लिए ना हमारा ट्यूशन वापस से भर गया है, और हाँ अभी कैप्टन अमेरिका थोड़ा लेट हो गए, लेकिन कोई बात नहीं पहला दिन था तो मैंने छोड़ दिया है। तो चलो अभी आप लोग फटाफट से अपनी बुक्स निकालो और हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। फ्रैंकलिन भैया पर ये बताओ आज हम लोग पढ़ेंगे क्या है? एक मिनट, आज हम लोग बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग सिलेबस पढ़ने वाले हैं इंग्लिश, और इंग्लिश को तुम लोग जानते हो कितना ज्यादा मजा आता है पढ़ने में। अरे मेरे तो सर के ऊपर से जावे है भाई, मन्ने ना आती इंग्लिश। एक मिनट मैं तुम्हें सिखा दूंगा। चलो ठीक है, अभी आप लोग ने बुक्स तो निकाल लिया है, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ इंग्लिश में पढ़ाऊं तो पढ़ाऊं क्या, हाँ क्या पढ़ाऊं क्या पढ़ाऊं, हाँ ऐसे इंग्लिश में ऐसे पढ़ाऊंगा मैं तुम लोग को। फ्रैंकलिन भैया ऐसे, चलो ऐसे पढ़ा दो, ऐसे तो मुझे आता है। ऐसे तो ऐसे में क्या, हाँ और हाँ मुझे टॉपिक भी मिल गया गाइज, टॉपिक है हैप्पी दिवाली के ऊपर ऐसे, और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है ये तो। और यार लेकिन हैप्पी दिवाली तो चले गई ना यार। अरे क्या हो गया, हैप्पी दिवाली गई है लेकिन हमें याद तो करना पड़ेगा ना। वेरी गुड हर्क, आ कब से पढ़ने लग गए आप? बिल्कुल सही बोला फ्रैंकल भैया, आज हम लोग हैप्पी दिवाली के ऊपर पढ़ेंगे, बढ़िया से ऐसे सिखा दो ताकि मुझे हमेशा याद रहे, ठीक है? और हाँ मैं जो भी बोलूंगा ना सबके सब अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लेना, तो ठीक है ना? हाँ हाँ सब लोग खोल लो दोस्तों अपनी अपनी कॉपी, फ्रैंकलिन भैया बोलने वाले हैं। चलो ठीक है, तो फर्स्ट लाइन है दिवाली इज द फेस्टिवल ऑफ लाइट, सेकंड लाइन लिखना इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेट इन इंडिया, और अब लिखना थर्ड लाइन दिवाली इज द सेलिब्रेशन ऑफ रिटर्निंग ऑफ लॉर्ड रामा टू अयोध्या आफ्टर 14 इयर्स ऑफ एक्साइल। अरे फ्रैंकलिन सर ये थर्ड लाइन मुझे समझ नहीं आई। अच्छा मैं भी समझाता हूँ, थर्ड लाइन का मतलब ये है श्री राम जी ना 14 साल के बाद वनवास काट के अपने घर अयोध्या वापस आए थे, ठीक है ना? अच्छा ठीक है। चलो अब फोर्थ लाइन लिखो वी लाइट कैंडल्स एंड डेकोरेट अवर होम विथ रंगोलीज एंड लाइट्स। फिफ्थ लाइन लिखना फटाखे चिल्ड्रंस बर्न फायर क्रैकर्स एंड एंजॉय विद देयर फ्रेंड्स, मतलब बच्चे ना एंजॉय करते हैं पटाखों के साथ अपने दोस्त के साथ। चलो आज के लिए इतना ही। अरे यार ये पांच लाइन भी बहुत हार्ड है फ्रैंकलिन सर। अरे नहीं नहीं तुमको ये पांच लाइन तो याद करने ही पड़ेंगे यार। हाँ हाँ बिल्कुल सही बोला गाइस, अभी हम सब लोगों ने अपनी कॉपी में लिख ली है ना, तो अब हमें हार्ड नहीं लग रहा। फ्रैंकलिन भैया सच्ची में आज तो बहुत अच्छा लगा पढ़ाई करने में। और हाँ आप लोगों को कोई डाउट है क्या? अरे नहीं मुझे तो कोई डाउट नहीं है। अरे हाँ मेरे को तो मजा आया दिवाली के ऊपर ऐसे लिखने में यार। अरे यार ठीक कह रहे हो बिल्कुल, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। चलो फ्रैंकलिन सर अभी फिलहाल मेरे को थोड़ी भूख सी लग रही है यार। अरे एक मिनट लिखना तो पूरा, चलो मेरा कंप्लीट हो गया। और हाँ गाइस आप लोग के लिए एक और होमवर्क, आप लोग ना फटाफट से दिवाली की स्पेलिंग लिख दो, जिससे हम लोग को पता चल जाएगा आप लोग की स्पेलिंग आती है। अरे दिवाली की स्पेलिंग
तो बहुत आसान होती है। एक बार सुना के बताना। नहीं आती। अरे बाद में सुना दूंगा, अभी मेरे पास टाइम नहीं है फ्रैंकलिन सर। गाइस देखो, इनको स्पेलिंग याद ही नहीं है। चलो फ्रैंकलिन भैया, हम लोग लंच कर ले क्या? ठीक है, अभी आप लोग लंच कर लो, जब तक मैं भी जाता हूँ और कुछ जूस वगैरह पी के आता हूँ, क्योंकि मेरी एनर्जी भी ना डाउन लग रही है। वेट, ये लोग कितना खाते हैं भाई? अरे ये तो हमारा भी ब्रेकफास्ट है, लंच तो तुमने देखा ही नहीं है फ्रैंकलिन सर। अरे इतना काम क्यों दिया मुझे, और दो ना थोड़ा सा। अरे भाई साहब, इनका लंच देख के तो ना मैं बेहोश हो जाऊंगा। चलो अभी लंच कर लो, और हाँ कोई शैतानी मत करना, मैं 2 मिनट में आता हूँ। अरे हाँ हाँ चलो गाइस। अरे आलोक भैया, आप अपनी कोल्ड ड्रिंक नहीं पी रहे क्या? हाँ यार मैं ना पी रहा, क्यों क्या हुआ? अरे तो रुको, मैं अपने में ले लेता हूँ। ओहो यार, आपकी कोल्ड ड्रिंक तो पूरी बच गई। अरे चलो तुम लोग खाना खाओ। और हाँ गाइस, मेरी एनर्जी भी ना काफी ज्यादा डाउन लग रही थी, हाँ क्योंकि मैं बोलता हूँ और सबको डांटता भी हूँ और पढ़ाता भी हूँ, इसीलिए। तो अभी जाता हूँ और थोड़ा जूस पी लेता हूँ, और जूस पीने के बाद मेरे अंदर एनर्जी आ जाएगी, फिर गाइस वापस से सबको पढ़ाना भी तो है। नहीं नहीं, आज के लिए इतना ही। वेट गाइस, रात में सिंचन ना पिज्जा लाया था, और ये देख रहे हो पिज्जा का बॉक्स खुला हुआ है, और अंदर शायद एक बाइट भी है, लेकिन मैं नहीं खाऊंगा, वो तो काफी ज्यादा पुराना हो गया। चलो अभी मैं जूस पीता हूँ, और जूस पीने के बाद। सिंचन यो क्या किया, मारे कपड़े में सारी पेप्सी गिरा दी। अरे माफ कर दो, हाथ से फिसल गई यार। एक मिनट गाइस, शायद सिंचन ने ना पेप्सी गिरा दी, वो अभी डीजे आलोक के ऊपर। चलो अभी नीचे जाऊंगा ना, तो मुझे पता चल जाएगा ये लोग क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे। वैसे गाइस सही बताऊं तो अब ठंड आ रही है, और ठंड में ना कोल्ड ड्रिंक पीने का मजा अलग ही है। सही में बहुत ज्यादा मजा आ रहा है मेरे को। अरे सिंचन योके, तन्ने बर्गर भी गिरा दिया मेरा। अरे वो बर्गर खत्म हो गया था, वो तो सिर्फ कागज है यार। ऑल राइट गाइस, इन लोग की आवाज सुन के ना मुझे वापस से नीचे जाना पड़ रहा है। अभी जाके देखता हूँ ये लोग क्या कर रहे हैं। अरे सुनो, तुम लोग शोर क्यों मचा रहे हो? अरे ये सिंचन सबके ऊपर थोड़ा थोड़ा गिरा दे रहा है, कभी कोल्ड ड्रिंक कभी बर्गर, खुद खाता नहीं है, सब फेंक रहा है ये तो। अरे नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, समझ गए, वो कागज था। कितने बार बोलूं, मैंने असली में कुछ भी नहीं फेंका। अरे नहीं नहीं, तुमने कागज नहीं, तुमने बर्गर का टुकड़ा फेंका था मेरे ऊपर, मैं बोल दूं फ्रैंकलिन को। अच्छा एक मिनट, कहां पर है वो टुकड़ा? अरे वो तो चींटी खा गई, अभी यहाँ पे चींटी थी वो ले गई। लेकिन सही में किसी से भी पूछ लो, सिंचन बहुत ज्यादा शरारती है यार। अरे नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, तुम झूठ ना बोलो हल्क। चलो ठीक है ठीक है, लेकिन हाँ आज के बाद सिंचन तूने कोई शरारत की मेरे क्लास में, तो सोच लियो तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। अरे हाँ सिंचन थोड़ा शरारती है, मुझे भी तंग करता रहता है, और मुझे बार बार नीला रकुन बोलता है। अरे नीला रकुन चलो हम लोग स्विमिंग करते हैं। एक मिनट सिंचन, किसी का नाम चिढ़ाया या किसी को भी तंग किया तो छोड़ूंगा नहीं। चलो आज वैसे भी गाइस इन लोगों की स्विमिंग क्लास है, तो कौन कौन करना चाहता है ठंडी में स्विमिंग क्लास? अरे ठंडी में स्विमिंग क्लास मजा आएगा, लेकिन हमारी तबीयत खराब हो गई तो? अरे नहीं नहीं, हमारी तबीयत खराब नहीं होगी, क्योंकि हमारे स्विमिंग पूल में गर्म पानी है, जिससे हमें बहुत ज्यादा मजा आएगा। अरे गर्म पानी है तब तो देखो, सबसे पहले मैं ही जाऊंगा। चलो ठीक है, तो 1 2 लेट्स गो। अबे ये तो सबसे पहले चले गए। अरे मजा आ रहा है, कितना ज्यादा मजा आ रहा है मेरे को यहाँ पर। अरे बिल्कुल सही बोला, ये फ्रैंकलिन का स्विमिंग पूल तो बहुत बढ़िया है यार। अरे यार सही बोल रहे हो, इसके अंदर तो आने के बाद ऐसा लग रहा है ना कि बहुत गरम गरम। फ्रैंकलिन भैया एक काम करो, थोड़ा जल्दी जल्दी स्विमिंग कर लो, क्योंकि ये लोग ना मुझे धक्का देते हैं पानी में। अरे हाँ सही बोल रहे हो, किसी का हाथ मेरे नाक में लग गया था, अभी कौन था जिसने मेरे मुंह में हाथ मारा है? अरे यार वो मैं था, सॉरी सॉरी यार, पानी में ना कंफ्यूजन हो जाती है। चलो थोड़ा सा अलग अलग तैयार हो ना यार। चलो ठीक है कोई लड़ाई मत करना। और हाँ वैसे सिंचन तू तो बहुत ज्यादा छोटा है हमसे, देख रहे हो गाइस सिंचन सबसे ज्यादा छोटा है, और रेड हल्क और ग्रीन हल्क सबसे ज्यादा बड़े हैं, लिटरली
पूरे स्विमिंग पूल को ना घेर रखा है इन्होंने। ओबे ओ भाई साहब मजा आ गया, तुम लोगों ने देखा मैंने कैसे फ्लिप मारी? अरे नहीं मैंने नहीं देखा, एक और बार दिखाओ। और यार मैंने देखा था, बहुत बढ़िया फ्लिप थी एक और बार फ्रैंकलिन। ये देखा, टांग ऊपर चली गई थी और मुंह पानी के अंदर डायरेक्ट। अरे हाँ ये वाला तो बहुत अच्छा स्टंट था गाइस, मानना पड़ेगा फ्रैंकलिन भी तो प्रोफेशनल बन रहे हैं यार। वैसे अभी ना बहुत ज्यादा देर हो गया पानी में, एक काम करो सबके सब बाहर आ जाओ, ठीक है ना? अरे हाँ हाँ, अरे गिर गया फ्रैंकलिन, गिर गया। अरे नहीं नहीं मैंने गिरा, ठीक है ना? अरे मैंने देखा तुम गिर गए थे। अरे यार मैंने भी देखा था, हर फ्रैंकलिन सर आप तो गिर गए थे यार। अरे ठीक है अभी किसी को बताना मत, चलो सबके सब बाहर आ जाओ, ट्यूशन के छुट्टी का टाइम हो गया। अरे क्या बोला, टाइम हो गया, अब तो मजा आएगा, चलो हम तो घर जाएंगे यार। अरे छुट्टी हो गई के, अरे बहुत मजा आएगा, चलो चलो घर चलो यार। चलो चलो ठीक है ठीक है। और हाँ आप लोग अपना अपना होमवर्क सुन लो, जो मैंने आज हैप्पी दिवाली के ऊपर ऐसे लिखवाया है वो याद करके आना, और मैंने सुना और जिसने ना सुनाया तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। चलो दोस्तों आप लोगों की छुट्टी हो गई है तो आज के लिए बस इतना ही, चलो मैं आपका बस ड्राइवर आप लोगों को छोड़ने जा रहा हूँ। चलो ठीक है, और हाँ सिंचन आराम से जाना और आराम से आना। और चलो गाइस अभी कैप्टन अमेरिका तुम लेट आते हो ना, तो तुम लेट मत आना कल से। आओ आओ ड्राइवर साहब इधर आओ। अरे चुप, तू वहाँ क्या कर रहा है? अरे मुझे पता चल गया था आप लोगों की छुट्टी हो रही है तो मैं आगे पहले ही बैठ गया। अरे वाह कंडक्टर वाह, तुम तो बहुत होशियार हो गए हो। चलो चलो आराम से रोड क्रॉस करना बच्चों। अरे हाँ हाँ हमें बच्चा बोला, खुद छोटा है और हमें बच्चा बोलता है। अरे सही बोल रहे हो थार, खुद तो बहुत ज्यादा छोटा है, हमारे टांगों के बराबर है लेकिन हमें बच्चा बोलता है। सिंचन तुम तो 5 साल के बच्चे हो। अरे यार सिंचन बेशक 5 साल का है पर दिमाग बहुत ज्यादा है यार। अरे हाँ सही बोला, लेकिन 1 मिनट मुझे बैठने दो फिर चलना। अरे हाँ 1 मिनट मैं भी बैठ गया हूँ, चलो। अरे हाँ मैं आप लोगों का इंतजार नहीं देखता, मैं देखता हूँ पीछे, जो बैठा है सो बैठा है, नहीं बैठा है तो डायरेक्ट अगला स्टॉप यार। अरे कोई कुछ नहीं बोलेगा, शांत रहो। सिंचन तू इतना बड़ा हीरो मत बन, तू हीरो नहीं है समझा क्या? अरे मैं हीरो ही हूँ, चुप, लगता है तू मुझे जानता नहीं है, समझ गया क्या? ओके गाइस अभी ट्यूशन से ना सारे लोग चले गए और मैंने कैप्टन अमेरिका को समझा दिया कल से लेट ना आए। अरे यार क्या बताऊं, मेरी ये गाड़ी 2 बार पंचर हो गई इसलिए मैं लेट हो गया फ्रैंकलिन सर। अच्छा ये वाली गाड़ी, 1 मिनट गाइस मैं भी देखूं ये कौन सी गाड़ी है जो 2 बार पंचर हो गई। वेट ये गाड़ी तो काफी ज्यादा लग्जरी है, ये कैसे लेट हो गई? अरे यार फ्रैंकलिन सर क्या बताऊं, ये इलेक्ट्रिक गाड़ी है ना इसीलिए, और हाँ ये पंचर हुई थी, ये खराब नहीं हुई थी। अच्छा चलो ठीक है, आज का होमवर्क तो लिख लिया होगा ना, वही करके आना है, और हाँ कल से टाइम पे आ जाना। अरे यार ठीक है अभी मैं जाऊँ फ्रैंकलिन सर। हाँ अभी जाओ लेकिन गाड़ी को आराम से चलाना और स्लो स्लो चलाना। अरे यार ठीक है, गुड बाय फ्रैंकलिन सर, चलता हूँ बाद में मिलूंगा आपसे। चलो ठीक है आराम से जाना। अरे यार ठीक है। ऑल राइट गाइज, तो आपको ये वाली वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलो आज तो मैं ट्यूशन पढ़ा के काफी ज्यादा थक गया हूँ, तो अभी मैं जाता हूँ और थोड़ा आराम करता हूँ। हाँ सिंचाई भी जब तक आ जाएगा, तो चलो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, मिलते हैं बाद में।